अर्न विथ ट्रेड में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं TRX और उसके साथ ही साथ ICP कॉइन के बारे में। ये दो कॉइन्स के मैं टोटल आपको पूरा चार्ट बताऊंगा और कितने टाइम में ये पंप कर सकते हैं और हमें बाइंग पॉइंट क्या होना चाहिए और हमारा सेलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सब कुछ मैं इसी वीडियो के अंदर आपको कवर करूँगा। तो वीडियो में दोस्तों आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इससे पहले मैंने आपको 3 कॉल्स प्रोवाइड किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए सिंपली, जो कि वहाँ पे टोटल सिग्नल्स आपको फ्री में मिलते हैं और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करने का भी मौका भी मिलता है। अगर आज तक अगर आप लॉस कर रहे हो तो दोस्तों इनकम करने के मामले में आप बहुत पीछे हो, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है। मैंने आपको 3 कॉल शेयर किया था पंप होने से पहले, मैंने वहाँ पर आपको बताया भी कि ये कॉइन्स पंप होंगे और उस समय में एक कॉइन पंप्स भी हुए, जैसे पहला कॉइन्स था WRX, दूसरा IOST, देन तीसरा कॉइन था ECash। जाके आप टेलीग्राम पे डिटेल्स चेक कर सकते हो। इन तीनों कॉइनों में जितने भी हमारे साथ टेलीग्राम पे लोग, लगभग 1100 लोग हैं, काफ़ी अच्छा लोगों ने वहाँ से प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे, जिन लोगों ने भी एंट्री लिया है। अगर आपने भी एंट्री लिया, अगर आप भी दोस्तों मेरे कॉल से पैसे कमा रहे हो अच्छे खासे, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप एक मैसेज करिए। और सेकंड, साथ ही साथ बोलना चाहूँगा, अगर आपके नज़र में कोई ऐसे कॉइन्स है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, जिसके ऊपर मैं कम से कम समय में वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर चला लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट एज अ हाई रिस्क मार्केट है, यहाँ पे आपको लॉस एंड प्रॉफिट दोनों हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा, चार्ट को देख के एनालाइज करके बताया जाएगा, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके खुद का ही रिस्क होना चाहिए। तो वीडियो को हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं और हम आ चुके हैं यहाँ पे TRX के ऊपर, जहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। और चार्ट मैंने यहाँ पे फोर हॉर्स का मैंने चार्ट ओपन करके रखा हूँ, यानी कि यहाँ पे जो एक कैंडल्स है वो टोटल 4 हॉर्स के हैं। अब यहाँ पे मेन हम एक एक पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद हम इसका एक बाइंग रेंज डिसाइड करेंगे कि हमें कब बाय करना है और हमें एग्जिट कब लेना है। आखिरकार यहाँ से हम ट्रेड करके या तो हम लॉन्ग करके भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होल्ड करके भी बनाया जा सकता है। सबसे मोर देन दोस्तों TRX के ऊपर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि TRX काफ़ी लंबे समय से पंप नहीं हुआ है और इसका समय आ चुका है पंप होने का, यानी कि लोगों का नज़र इसके ऊपर बन चुका है और ये किसी भी वक्त पंप हो सकता है। लेकिन पंप आखिरकार होगा, किस पॉइंट पे पंप होगा, वहाँ पे भी हम इधर पे कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट के ऊपर सब कुछ बना के रखा हूँ और एक एक चीज़ पहले मैं आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये आपका 2 सपोर्ट है, सपोर्ट का आप यहाँ पे रेंज देख सकते हो, जो कि पहला सपोर्ट है 0.09267, ये सपोर्ट इसको अच्छा खासा है। देन उसके बाद इसके डाउन वाले 0.8538, इसके नीचे भी काफ़ी सपोर्ट है, बट वहाँ तक मुझे नहीं लगता कभी मार्केट इतना जल्दी जाएगा क्योंकि काफ़ी स्टेबल कॉइन है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी बाइंग रेंज की और किस समय हमें इसको बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ओपन किया हूँ जो कि वन डे का ट्रेंड लाइन है। ये वन डे के हिसाब से इसका ट्रेंड लाइन यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि अगर वन डे के मुकाबले मार्केट यहाँ से पंप होना चाहिए, बट हम 4 हॉर्स के चार्ट से मार्केट अगर हम देखा जाए तो एक अच्छा मोमेंट से यहाँ पे लेना स्टार्ट कर दिया है। तो हम 4 हॉर्स के कैंडल से समझेंगे अभी इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन देख लीजिए और यहाँ पे जस्ट इसको एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को समझिए, जो ब्लू कलर का है ये रजिस्टर है, ये जो ब्लू कलर का है, ये रजिस्टर का जो पॉइंट है 0.10506, ये रजिस्टर है। अगर 4 घंटे की क्लोजिंग याद रखना, 4 घंटे की क्लोजिंग अगर यहाँ पे अपसाइड में लेता है तो अच्छा खासा हमें इसके अंदर एक पंप दिखाई देगा ट्रॉन के अंदर, जहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट हम शॉर्ट टर्म के लिए भी बुक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। और इसका रजिस्टर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका ये रजिस्टर है। सबसे पहले यहाँ से जब पंप होगा ट्रॉन, तो आपका सबसे पहले ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा 0.12050, यानी कि सबसे पहला रजिस्टर इसका यहाँ पे है। आप INR में अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 0.12050 ₹80 आप करोगे तो INR में इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपके सामने।
और इसको बाइंग हमें कहाँ पे करना चाहिए वो बता देता हूँ मैं। जैसे कि ये वीडियो में अगर लाइव प्राइस आप देख सकते हो तो 0.10416 चल रहा है, बट हो सके वीडियो अपलोड करते समय इसका प्राइस डाउन भी हो सकता है, इसका प्राइस अप भी हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करके ये पंप भी कर सकता है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ हो सकते हैं, बट ये लाइव प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। मोर देन अगर आप इसको नोट करोगे तो ये कंटिन्यू अप के तरफ जा रहा है। इसका 4 घंटे के जो टोटल 4 कैंडल्स बने हुए, यानी कि टोटल ग्रीन कैंडल है, यानी कि धीरे 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 अपना पॉजिटिव डायरेक्शन बनाना स्टार्ट कर चुका है। बट हमें अगर इस पॉइंट्स में मिलता है और ब्रेकआउट के साथ, तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें एंट्री लेना चाहिए। और एंट्री अगर आपको तब भी ना समझे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं एग्जैक्ट आपको इसको एंट्री लेने का एक पॉइंट बताऊँगा। वहाँ पर तुरंत आप बाय करके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पर पूरा रजिस्टर इसका समझ लेते हैं। पहला ये यहाँ पर है, दूसरा इसका है 0.136 एंड तीसरा है इसका यहाँ पे 0.15190 है एंड उसके बाद है 0.16403। टोटल यहाँ पे 4 है, चारों के ऊपर ये धीरे धीरे जाएगा सपोर्ट लेते हुए, तो आप चाहे यहाँ पे ट्रेड करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अब हम चलते हैं ICP चार्ट के ऊपर और उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं ICP के चार्ट के ऊपर और आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कुछ ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे खींच के रखा हूँ, जो कि ये काफ़ी लंबे समय के लिए जाता है 1 डे के हिसाब से। बट हम इसके 4 हॉर्स के कैंडल्स को यहाँ पे कन्फर्मेशन करेंगे और यहाँ पे अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे हमें एक एंट्री यहाँ पे लेना ज़रूरी है। सबसे पहले इसको आप अगर एक चीज़ नोट आउट करोगे, मैं एक ही चीज़ आपको यहाँ दिखाऊँगा, 4 हॉर्स के कैंडल्स के हिसाब से, 4 हॉर्स के कैंडल के हिसाब से यहाँ से एक अच्छा खासा डायरेक्शन बन रहा है, यानी कि ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर गलती से यहाँ से ब्रेकआउट करता है ये ट्रेंड लाइन से, तो हमें कुछ इसका पॉइंट, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे हमें $40 के आसपास में नज़र आएगा। ये बात का आप खास करके ध्यान रखना, हमें $40 के आसपास नज़र आएगा। अगर ये $46 अभी इस समय पर चल रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ अगर इसने ब्रेक कर दिया तो कन्फर्म है $40 के पास आएगा, पहला सपोर्ट है इसको यहाँ पे। देन डाउन साइड में और भी सपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे सपोर्ट्स हैं इसके अंदर, बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है। देन आपका BTC भी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है। 4 हॉर्स कैंडल की बात करूँ तो 4 कैंडल टोटल ग्रीन बने हुए हैं, इसको बस ब्रेकआउट का इंतजार है। यहाँ पे अगर आप टॉप देख सकते हो तो यहाँ पे $51 का ये पहला इसका रजिस्टर है, जहाँ पे ये $51 को अपने ब्रेक करता है तो अच्छा खासा पंप इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उसके बाद ये 54, इसके बाद ये जाएगा यहाँ से $54, $60, $71 और इस तरीके से। दोस्तों इसके ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो लगभग $2000 मुझे इसके डिटेल्स में ICP के दिखा रहा है, यानी कि काफ़ी टाइम पहले ये $2000 भी था। उसके बाद से मार्केट इसका काफ़ी टाइम से मोमेंटम में चल रहा है, यानी कि ना ज़्यादा हाई जा रहा है ना ज़्यादा लो जा रहा है, एकदम बैलेंस बनाते हुए चल रहा है। यानी कि इसके अंदर जो पंप आने का हमारे पास चांसेस है, ये जो चांस है इसका पंप आने का, आपको मैं ट्रेंड लाइन वापस एक बार यहाँ पे बता देना चाहूँगा। जिस समय ये कॉइन्स यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मारता है, यहाँ पे $51 को अगर ये ब्रेकआउट मारता है तो अच्छा खासा हमें इसके अंदर एक पंप दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले एक और रजिस्टर यहाँ पर बन चुका है, आप अगर यहाँ पे एक नोट करोगे 4 हॉर्स टाइम फ्रेम के यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पे इसने एक बार कोशिश तो किया था ब्रेक करने की, कोशिश किया $51 को, बट इसने ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से फेल हो गया। सेकेंड टाइम हल्का फुल्का गया लेकिन वहाँ से वापस फेल हो गया। देन पीछे साइड में भी काफ़ी बार इसने ट्राई किया बट वहाँ पे इसने मोमेंटम नहीं बना पाया, जहाँ से इसने बार बार रिजेक्शन इसको मिला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी इसको एक अच्छा सा रिजेक्शन यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर भी रिजेक्शन मिल गया, यानी कि इसको रिजेक्शन काफ़ी टाइम मिल चुका है। हो सके इस बार अगर ये ट्रेंड लाइन की मदद से जा रहा तो अच्छा खासा हमें बेनिफिट दे सके। अब बात आती है एंट्री की, हमें किस पॉइंट के ऊपर हमें एंट्री लेना चाहिए इसके अंदर। दोस्तों एंट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे $40 का तो सबसे अच्छा एंट्री है, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि $40 तक मार्केट आ पाएगा। लेकिन अगर $40 तक आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक एंट्री ले लेना। अगर आपको वहाँ तक नहीं मिलता तो यहाँ पे करंट प्राइस में आपको 25% का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मार्केट पंप ऊपर की तरफ जाता है तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अगर नीचे की तरफ आता है तो रिटर्न आप अपने 25% को बढ़ा के एक अच्छा खासा लेवरेज मतलब मेंटेन कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। देन सेकेंड यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूँ, एक रिजेक्शन इसने छोटा सा यहाँ पे लिया है, जो इसके इस पॉइंट्स के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए ये पॉइंट जो आपका बैठ रहा है टोटल $46
$46.47 का यहाँ पे बैठ रहा है, जो इसने ऑलरेडी यहाँ पे एक रिजेक्शन ले चुका है। यहाँ पे देखोगे एक रिजेक्शन हुआ है, दूसरा भी इसने रिजेक्ट मार दिया है, यहाँ पे तीसरा थर्ड टाइम यहाँ पे रिजेक्शन मारा है और ये चौथा टाइम इस मोमेंट के ऊपर बना हुआ है। अगर इसको भी ये ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा यहाँ से पंप होने का पूरा चांसेस है। लाइव मार्केट के अंदर इसकी प्राइस आप देख सकते हो $46.51 चल रहा है, लेकिन अगर 4 हॉर्स का कैंडल अगर यहाँ पे इसको ब्रेक मारता है, इस पॉइंट्स को अगर 4 हॉर्स का कैंडल अगर ब्रेकआउट मारता है $46.55 को, $46.47 को ऑलरेडी ब्रेक मार चुका, बट यहाँ पे अगर क्लोजिंग मारता है तो दोस्तों आपको $51 पे ये नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से इसको एक अच्छा सा सपोर्ट मिल गया और इस सपोर्ट के माध्यम से अच्छा खासा है यहाँ से पंप कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री लेना है तो करंट मार्केट में आप एंट्री ले सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले समय में आप ICP से भी कमा सकते हो। देन साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लॉस में ही चल रहे, क्रिप्टो से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो आपके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि टोटल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन होइए, समझिए क्या क्या है, उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट वहां पे बुक करिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपके पास कोई अगर ऐसा कोई कॉइन है जिसके बारे में आपको नहीं समझ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा कम समय में वो वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।